आज आप लोग को हम लोगों ने कष्ट दिया है। आप सब जानते हैं कि बिहार में बढ़ती अपराध के कारण आम आवाम की जान माल की रक्षा का बड़ी चिंता हो रही है सब लोग। मुख्यमंत्री मानसिक अचेत के शिकार हैं और सागिर्द जो इर्द गिर्द में है वो शासन चला रहे हैं। एक रिटायर्ड अधिकारी अपने मन के हिसाब से शासन में पदस्थापित कर जो दुकान चला रहा है, इससे बिहार का कोना कोना हर कोई अवगत है। बिहार की सरकार ने स्वीकार किया है कि बिहार में अब कोई सुरक्षित नहीं है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो आम आदमी हैं, सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े लोग भी हैं। सरकार ने कल एक निर्णय लिया कि अपने मंत्री को, अपने गठबंधन के सांसद को बाई और जेड सिक्योरिटी के घेरे में लाया। लेसी सिंह जी को जेड सिक्योरिटी के घेरे में आया, रूढ़ी जी जेड सिक्योरिटी के घेरे में है, ललन जी जेड सिक्योरिटी के घेरे में है, संजय झा जेड सिक्योरिटी के घेरे में है, जिनको अल्पसंख्यक का पिछड़ों का वोट नहीं चाहिए उनको 22 सिक्योरिटी मिला है, जो नवादा से सांसद है उनको भी 22 सिक्योरिटी मिला है। सरकार ने स्वीकार कर लिया कि बिहार के अंदर अब जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है, सिर्फ ठाकुरों को भी मिला 22 सुरक्षा। हम जानना चाहते हैं कि पिछड़ा का बेटा श्रवण कुमार को क्यों नहीं, सुनील कुमार को क्यों नहीं, रत्नेश सदा को क्यों नहीं, ये जानना, जयंत कुशवाहा को क्यों नहीं। 17 महीने के सरकार में डिप्टी सीएम के अलावे एक को छोड़ दीजिए तो किनको प्राप्त था? विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में, जो सबसे बड़े दल के नेता हैं, बिहार का भ्रमण करते हैं, थ्रेट परसेप्शन है, बावजूद भी इन्हें जेड प्लस और जेड सुरक्षा नहीं है। यूं तो दोनों उप मुख्यमंत्रियों को पहले से ही बिहार में जेड प्लस सुरक्षा दिया गया है। बिहार का पुलिस महकमा और गृह मंत्रालय ने जो मानक दिया है कि एक बड़े चुनाव के बाद उस इलाके में लेसी सिंह को खतरा उत्पन्न हो गया है, कैसे एक्सप्लेन करना चाहे मुख्यालय को, कहां से और किस रूप में, क्या कोई साक्ष्य है, कोई एविडेंस है? रेवड़ियों की तरह बिहार की धनराशि का दुरुपयोग करना, ऐसे भी मंत्रियों को सुरक्षा बिहार में बड़े पैमाने पर पहले से ही है, बाबत भी जेड और 22 सुरक्षा इन लोगों को सिर्फ कैसे? जमा खान को क्यों नहीं? इतना भ्रमण करते हैं, जो चुनाव जीतने के बाद अभी तक 5 बार भी आदान प्रदान अपने क्षेत्रों में आना जाना जिन लोगों का नहीं रहा है उन्हें भी 22 प्लस। एक कैसी सरकार, एक बड़ा सवाल है यह माननीय मुख्यमंत्री के मानसिक अचेत का प्रमाण, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार, उनकी आंख, उनकी बॉडी लैंग्वेज, देह की भाषा हर कोई समझता है। आज उनकी देह की भाषा, चेहरे की आकृति उनके अचेत होने का प्रमाण दे जाता है। कई हमारे पत्रकार साथी ने भी उस पर अपनी मिमिक्री कर डाली है, हम उस पर जाना नहीं चाहते।
यही हाजीपुर में जनप्रतिनिधि सुरक्षा की मांग करता रहा, जहां कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी गए थे मिलने के लिए उन परिवारों से, पीड़ित परिवारों से। अब सोया हुआ व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है, वो घर में सोया हुआ था, वो निकला था टॉयलेट के लिए और उसकी हत्या हो जाती है। शासन को पहले से पता है, सूचनार्थ है कि सुरक्षा का इंतजाम कराइए, हमको खतरा है, उसके लिए सुरक्षा नहीं है। जिनको सुरक्षा कवर पहले से ही प्राप्त है उनको और सुरक्षा कवर करने की जरूरत समझी बिहार की सरकार ने, और इस तरह रेवड़ियों की तरह जेड प्लस जेड सिक्योरिटी, वाई प्लस और वाई सुरक्षा बिहार में प्रदान की जाती है। जो लगातार अपराधियों के खिलाफ बोलता है वो लगातार लिखता है पुलिस हेडक्वार्टर को, नहीं सुना जाता है कि उसका संबंध विपक्ष से है, वो सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि बिहार के अंदर हर कोई पत्रकार सुरक्षित है क्या? पत्रकार की हत्या हो रही है, पत्रकार पीटे जा रहे हैं, जिस तरह से पुलिस की बर्बरता, पुलिस की लाठियां निहत्थे लोगों पर देखी गई, कल टेलीविजन स्क्रीन पर मीडिया के साथियों ने दिखाया फुटेज को, एक अचेत शासक के बासीपन का ये प्रमाण है। इससे ज्यादा और प्रमाण की आवश्यकता अचेतता का नहीं हो सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पुलिस महकमा की सुनी नहीं जाती, पुलिस हेडक्वार्टर की एकदम नहीं सुनी जाती। एडीजी रैंक डीजी रैंक आईजी रैंक के अधिकारी मुंशी की तरह काम करते हैं रिटायर अधिकारी के इशारों में। आज यही कारण है कि बिहार का कोना कोना, चप्पा चप्पा, हर जगह एक मातम के साये दिखते हैं, जहां सिर्फ क्रांत दिखता है, गमगीन साये दिखते हैं। हर पद पर जाते हैं पता चलता है कि अपराधियों के गोलियों के शिकार हो गए। पुलिस की मर्दानगी कहां दिख रही है? निहत्थे पर अपराधियों के सामने घुटना टेक दे रही है, और सुरक्षा उनको दिया जा रहा है जो खुद बूथ लूटने के माहिर है, खुद जिनके बारे में पिछले पार्लियामेंट में के चुनाव में जिन पर हम समझते हैं कि सब कोई जानते हैं, नाम बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए एक बड़ा सवाल कि सिर्फ इन्हीं लोगों को बाई जेड सुरक्षा क्यों, जयंत कुशवाहा को क्यों नहीं, जमा खान को क्यों नहीं, सरवन कुमार को क्यों नहीं, रत्नेश सदा को क्यों नहीं, जानना चाहते मुख्यमंत्री से। अब समाजवाद का वो चोला पहन करके अचेत अवस्था में कोने में विश्राम मुद्रा में रहेंगे, और बिहार के चारों तरफ के जो सत्ता संरक्षण में फलते और फूलने वाले जिनकी अपराध जगत से पुराना नाता है, सरोकार है। इसलिए मैंने कहा कि आप बिहार के नायक क्या कर रहे हैं, हर कोई पूछ रहा है, हर कोई जानना चाहता है कि कैसा कतलियाना अंदाज है, ना हाथ में खंजर है ना दामन पे कोई दाग, कत्ल करो हो या कलामात करो, ये हर कोई जानना चाहता है मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी का ये भाव, ये निर्णय, शासन चलाने का ये तरीका, अब सबको ये पता चल रहा है कि शासन चलाने वाला नीतीश कुमार जी नहीं है, इर्द गिर्द में जो उनके सागिर्द हैं, रिटायर अधिकारी हैं, वही अपने हिसाब से अपने इर्द गिर्द लोगों को पूरी तौर पर सुरक्षित कर रहे हैं और संरक्षित कर रहे हैं। इसलिए बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध को बिहार की सरकार ने भी स्वीकार किया है, और अपने मंत्रियों को, अपने सांसदों को जेड प्लस जेड सिक्योरिटी बाई सिक्योरिटी की सुरक्षा कवर करके ये प्रमाणित कर दिया है कि बिहार में कानून का राज समाप्त हो चुका है, नीतीश जी का इकबाल डूब चुका है, कोई खौफ नहीं है पुलिस का।
बुलेटिन जारी करते हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हर सप्ताह में सैकड़ों लोगों के नाम गिनवाते हैं, बैंक रॉबरी से लेकर करके खुलेआम बमबारी होता है, दुकानों पर कत्ल की जाती है। अरे जो लोग हम पत्रकार साथियों से न्याय की अपेक्षा करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था 15 अगस्त के दिन, पत्रकार भाइयों से आग्रह किया था कि पत्रकार साथीगण जरा पहले वाला दिखाइए, मेरी चुनौती है। एक कोई मुख्यमंत्री 15 अगस्त पर अपने कार्यक्रमों को बताता है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, तो एनसीआरबी का रिपोर्ट निकलवा लीजिए और कंपैरिजन बिटवीन इस शासनकाल के और उस शासनकाल का दिखवा लीजिए। और मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ करके आप लोग से भी कि सब कुछ दिखाइए। सृजन के सारे जो लोग कहते थे कि सृजन का आचार बड़ा काम करता है, स्वादिष्ट करता है, वो लाइन निकलवाइए, वीडियो क्लिप, वो किनके अल्फाज हैं, वो किनके द्वारा प्रस्तुत हैं, सेंटर होम भी दिखाइए। मुजफ्फरपुर में शोषण की शिकार अबलाओं के गुहार को भी दिखाइए, दिखाइए। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या जब हुई थी, एक क्रांत करके सत्ता संरक्षण अपराध का जीवा जब लगा था मधुबनी में, वह भी दिखाइए। हम कहां कहते कि मत दिखाइए, दिखाइए। लेकिन बिहार में अपराध अनकंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल है, शासन का इकबाल डूब चुका है। राष्ट्रीय महासचिव रहे श्याम रजक जी की एक पत्र उनके ही सोशल साइट पर तैरता हुआ मैंने देखा कि हमने राष्ट्रीय महासचिव से इस्तीफा दिया है। जब वो आए थे किस अवस्था में थे, किस रूप में उस दल में करा रहे थे, बाबत यहाँ आए थे, गले लगाया गया, स्वस्थ हुए, ऑक्सीजन लेवल यहाँ बढ़ा। मैं जानता हूँ कि वो शतरंज के खिलाड़ी हैं, मोहरे खूब चलते हैं, तेजस्वी तो गले लगाना जानते हैं, उनकी पुरानी आदत है इस दल में उस दल में जाने का, इससे कौन बाकी नहीं। ये सवाल सत्ता प्रतिष्ठान के जुड़े हुए लोगों से, दल से कई लोग छोड़ करके मेरे यहाँ आए, सवाल वहाँ ही बनता है। व्यक्ति बड़ा होता है नहीं, पार्टी बड़ी होती है, पार्टी का विचारधारा, पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी के जो निर्णय हैं पार्टी उस हिसाब से चलती है। व्यक्ति का आना जाना पार्टी के निर्णयों को प्रभावित नहीं करता, विचारधारा को प्रभावित नहीं करता। हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी के नेता आदरणीय तेजस्वी जी लालू जी ने जो विचारधारा को कायम किया, जीवन पर्यंत दलों के अंदर हमारे रेखा खींची गई, हम मिट्टी और गिट्टी में हमारी पार्टी रहना मंजूर करेगी लेकिन फिर का प्रस्ताकत के सामने हाथ नहीं, घुटने नहीं टेक सकती है। सत्ता की लालच में नीतियों को बलि नहीं चढ़ाई जा सकती है, ये हमारे पार्टी का सिद्धांत है, आइडियोलॉजी है। सिद्धांत विहीन राजनीति को जो जिन लोगों ने नया रूप दिया है, उस दलदल में जाने का जो निर्णय लिया है जिन लोगों ने, वो उनका फैसला हो सकता है। दल की नीतियाँ कल भी वही थी, आज भी वही है, आने वाले कल में भी वही रहेगा। हमें लगता है कि फुटेज को आप लोग बहुत ही करीबी से देखा है और साच को आज की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, एक संस्कृत में कहावत है, प्रत्यक्ष के प्रमाण की कहीं जरूरत नहीं हो सकता है। चुनाव के एक फेज का एक आकलन पता कर लीजिए और अखबार का वो और वीडियो क्लिप निकलवा लीजिए तो पता चल जाएगा कि हु आर पर्सन